तो फोन में लगी रही हो, खाना मत खाइयो। खा लूंगी। अरे तो क्या मुहूर्त में करवाना पड़ेगा खाने के लिए? खा लूंगी ना जब मन होगा। आप तो पीछे पड़ गए हो। अरे खा लेना लड़की, जब देखो तब फोन पे लगी रहती है। मैं बता रहा हूं एकदम इसका फोन तोड़ दूंगा मैं। लो अभी तोड़ दो, वैसे भी मुझे नया फोन चाहिए था, पुराना हो चुका है ये, तोड़ दो। अरे 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 तोड़ने की क्या जरूरत है, अपने मामा को दे दियो तो दूसरा ले लेना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। क्यों अबे जलील आदमी, तुझे भांजी को देना चाहिए, तो उल्टा उसे ले रहा है। बात कर रहा है बेकार की। ज्यादा बातें मत बनाओ, जब इतनी सी थी ना तो अपने कांधे में घुमा घुमा के घूमता था मैं, और उसको वो भी खिलाता था मैं चाट मसाला। बातें कर रहा है तुम अपनी। सही कह रहे हैं छटंगी भैया। अजय इलायची छोटी थी ना छटंगी भैया, तो तुम ही तो गोद में लेते थे, और कौन लेता था। और क्या, और ये आदमी ये तो गोद में भी ना लेता था उसको। क्या आप मुझे गोद में भी नहीं लेते थे पापा? अबे दिमाग खराब हो गया तेरा, मैं ऐसा गोद में लेकर घूमता था। इलायची के पापा झूठ मत बोलो, कभी एक सेकंड के लिए भी गोद में ले लेते थे ना तो कोई ना कोई बहाना करके मुझे वापस दे देते थे। आपने मुझे गोद में भी नहीं लाया। I'm hurt पापा। अरे इलायची देख बेटा, सुन तो तेरी बात तो सुन ले। देख बात ऐसी थी कि मतलब तू ना बचपन में बहुत नाजुक थी है ना, और मुझे छोटे बच्चों को खिलाने का एक्सपीरियंस भी ना था, तो मुझे डर लगता था मतलब तुझे ऐसे गोद में लेने में कहीं तू इधर उधर ऐसे ऐसे कुछ लग ना जाए तेरे इसलिए तुम्हें कुछ एक्सपीरियंस ना था। सिर्फ जाएंगे बेचो समझिए, और कुछ ना तुम्हें कुछ ना था, कोई एक्सपीरियंस ना था तुम्हें। अबे तू कैसा आदमी है, बाप बेटी के बीच में दरार पैदा कर रहा है। शकनी कहीं का। चलो मैं शकूनी हूँ, तुम क्या शकंडी हो? एकदम मारूंगा आदमी तेरे को, बता रही हूं इसके कायदे में रह के बात करना। अबे रुक जा, तेरा एकदम मरने वाला। रुको पापा, अनर्थ हो गया, तेरी बहुत बुरी खबर है। अरे क्या अनर्थ हो गया, क्या खबर है बताओ तो। पिंटू पंचम सब ठीक है ना? आंटी जी कुछ ठीक नहीं है, आंटी जी कुछ ठीक नहीं। बंटी के पापा गुजर गए। बंटी के, लेकिन तो बंटी कौन है भाई? रज्जो का लौंडा। अब ये रज्जो कौन है? तो बता रहा, सीधी सीधी बात बता यार तू, क्या बात हो गई? सेठ जी राम गुलाम जो थे, सेठ जी राम गुलाम जो थे बंटी के पापा थे, यानी कि हमारे मौसा। हाँ तो ठीक है, निकल लिए। आगे बताओ क्या हुआ मतलब? हाँ निकल लिए मौसा जी, निकल लिए भैया। ओ बच्चों भाभी संभालो अपने आप को, ये तो बहुत ही बुरा हुआ आपको। अभी के अभी निकल जाना चाहिए, अब जाओ चले जाओ। ठीक है भैया, संस्कार कर। अच्छा ना ना सुन सुन भैया, तू जा अंतिम संस्कार कर, ऐसे टाइम पे भी ना जाएगा तो फिर कब जाएगा? जा तो फिर दुकान कौन चलाएगा? चलो खैर 2 दिन दुकान ना चलेगी तो कैसा खास फर्क ना पड़े। 3 दिन ओ एज यूजुअल। या तो सब ठीक है। हां जी मैं बंटी बोल रहा हूं, पिंटू जी के मौसा का लौंडा। अरे हाँ बेटा, अब अभी तुम्हारी चर्चा चल रही थी बेटा, मतलब तुम्हारे पापा को सुनकर बहुत ही बुरा हुआ, बहुत अफसोस हुआ भाई हमको। अरे अरे अफसोस बताने की कोई जरूरत नहीं है, वो क्या है ना मेरे पिताजी यानी कि पिंटू जी के मौसा जो है वो वापस जिंदा हो गए। हाँ वो क्या हुआ था ना कि चिता पे लेटे हुए थे। अच्छा तो जैसी आग लगाई तो छेंटा लगा, छेंटा लगते ही वो एकदम होश में आ गए। वो बोले मैं मरा ना था, मैं बेहोश था। ये बहुत अच्छा हुआ कि वो बेहोश थे। हाँ और इन्होंने यही बात पिंटू को बताने के लिए बोली है। हाँ कोई बात ना बेटा, वो लोग सुन रहे हैं, स्पीकर पर रखा वो दोनों सुन रहे हैं बेटा, टेंशन मत ले। चल तू अपना ध्यान रख। चलो भैया बच गए, बड़ी खुशी की बात है। चलो भगवान का लाख लाख शुक्र है, मौसा जी भी बच गए, मतलब बिना दवाई बोली बच गए। चेटा लगाओ मैं चेटा लगा। अच्छा हुआ चेटा लग गया, वरना पूरी रात धू-धू करके जलती वो तो नमस्ते हो जाती। भगवान का ये बता, तेरे का भी चेटा लगा है ना? मेरा ना, मैं चाह रहा हूँ तेरे भी एक बार चेटा लग ही जाए। दरअसल क्या है कि शिमला का एक ट्रिप जो है स्कूल का एलआईसी जी का जा रहा है, और एलआईसी जी ने बोला है छुट्टी लेनी पड़ेगी वरना ब्रेकअप कर लेंगे। तो ये हमारी तीसरी कोशिश थी। हर बारी हम कोई अपने रिश्तेदार का बहाना लगा के जाते हैं, और उस रिश्तेदार की कि उसे कुछ होने वाला है या कुछ हो गया है, और उसी वक्त उस रिश्तेदार का कॉल आ जाता है और हमारा प्लान कैंसिल हो जाता है। तो यही चले जा रहा है, और हमारी कोशिश अभी तक यही है कि किसी तरह से हमें 3 दिन की छुट्टी मिल जाए ताकि हम एलआईसी जी के साथ शिमला जा सकें। वही तो आपको बता रहा हूँ कि जैसे ही हम कोई बहाना मारते हैं वो बहाना उलट फेर पड़ जाता है, और उसी इंसान का कॉल आ जाता है। अभी हमने बोला जैसे बबलू जी जो हैं थोड़ा तकलीफ़ में हो, उसी वक्त बबलू का कॉल आ गया। और आपको लग रहा है अरे यार कहाँ फंस गए हम, तो वही हो जा रहा है। तो किसी तरह से अभी छुट्टी लेनी पड़ेगी पर मिल नहीं पा रही है। बॉलीवुड के अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।